हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे। हमारी आज की रेसिपी है मैंगो श्रीखंड, जिसे कि आम्रखंड भी कहते हैं। वैसे तो श्रीखंड को काफ़ी सारे फ्लेवर्स में बनाया जाता है, क्योंकि अभी आम का सीजन है, इसलिए हम आज मैंगो फ्लेवर का श्रीखंड बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट बाकी सारे फ्लेवर्स से एकदम अलग है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम डिलीशियस और सिंपल मैंगो श्रीखंड बनाना शुरू करते हैं। एक बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। आधा किलो ताज़ा दही इसमें डालेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब हम इस कपड़े में दही को बांध देंगे। तीन से चार घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा और एकदम गाढ़ा दही जो बचेगा वो हमें श्रीखंड बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखिए, 4 घंटे में दही कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसका पूरा पानी निकल गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इस दही को विस्क की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। विस्क की जगह आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पाउडर शुगर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। श्रीखंड खाने में थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड ना करें। अब हम इसमें 1 कप मैंगो प्यूरी डालेंगे। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आप आम को काट कर पीस लें, मैंगो प्यूरी तैयार हो जाएगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक बार छानेंगे तो श्रीखंड के मिक्सचर को हम छन्नी में डालेंगे। इसे चम्मच से लगातार चलाते हुए छान लेंगे। ये गाढ़ा होता है, इसलिए इसे छानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे छान लेने से हमें एकदम स्मूथ टेक्सचर का श्रीखंड मिलेगा और जो भी आम का थोड़ा बहुत रेशा होगा वो भी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि छन्नी से छनकर ये बोल में इस तरीके से निकल कर आ रहा है। इसे छानने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथ टेक्सचर का श्रीखंड हमें मिला है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितना गाढ़ा है। श्रीखंड की कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। थोड़े से मैंगो पीसेस से भी गार्निश करेंगे। कटे हुए बादाम और पिस्ते वापस से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। डिलीशियस मैंगो श्रीखंड बनकर तैयार है ना। इसे बनाना बहुत ही आसान। आप भी मैंगो श्रीखंड बनाइए, फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा कीजिए और फिर ठंडे ठंडे श्रीखंड का मजा लीजिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।